महाराष्ट्र विधानसभा को ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर के माध्यम से स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं को वोट देने का विकल्प प्रदान किया जाए, ऐसा स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह सुझाव एडवोकेट प्रदीप उके ने एडवोकेट सतीश उके के माध्यम से दिया। ऐसी जानकारी शनिवार को हुई पत्रकार परिषद में दी गयी। जिस तरीके से ईवीएम पे वोट करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन बैलेट पेपर ये संकल्पना या बैलेट पेपर ये अभी भी कानूनी प्रावधान में उपलब्ध है और कई चुनाव जो होते हैं जैसे शिक्षक मतदार संघ के चुनाव होते हैं, उसके बाद बैलेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव होते हैं जिसमें वोटर पेपर का बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैलेट पेपर ये अभी भी बैलेट पेपर अभी भी इस्तेमाल में है जिसको कानूनी मान्यता अभी भी है। तो ये बैलेट पेपर जो आम चुनाव जो होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के और बाकी चुनाव में भी हमारे उत्तर में थोपे जाते हैं, ये जो है ये हमारे इच्छा के अनुरूप थोपे जाते हैं। जो बहुतांश लोग हैं, बहुतांश जनता जो है ये इनके ऊपर में ये जबरदस्ती थोपे जाते हैं। वो जो ईवीएम को चाहते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।